प्रणाम जी सुंदर साहब जी। इस अदना से जीव जिसके अंदर धाम धनी की असीम मेहर से, धाम से एक ब्रह्म सृष्टि की आत्मा विराजमान है और यहां पर अवतरित परम धाम से आई हुई सभी आत्माओं के चरणों में मेरा प्रेम भरा दमन, आपके चरणों से मेरे दिल का आलिंगन और आपकी सहज कृपा से आज राज्य की वाणी का बल लेकर आपसे कुछ गुफ्तगू करने बैठा हूं, अन्यथा मेरे जैसे व्यक्ति की कोई औकात नहीं। छोटा सा अदना, लेकिन ये आपकी कृपा ही है जो आज धाम धनी के उस विशिष्ट गुण की बात हम करेंगे। हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का दिल नूर है, नूर जमाल, जमाल यानी सौंदर्य और नूर यानी राज्य का दिल। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागर ता पूरन ताथे दिल की सब देखा है। हक के मुख का नूर जो सो नूर है सागर जान, तेज ज्योत या सलूकिया शोभा सागर भरिया आसमान, धाम के जिमी से अंबर तक वो अनंत नूर का स्वरूप है जिसके अंदर प्रेम भी है, आनंद सौंदर्य एकत्व आभा कांति चमक छटा उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता माधुर्यता शीतलता चैतन्यता कोमलता, संगीत नृत्य ऐसे अनंत गुणों का वास है हमारे प्राण प्रीतम धाम धनी के दिल रूपी नूर में जो मारिफत की संज्ञा पाता है। अब विचारिए कि ये जित अनंत गुण है इसमें से तो कुछ चंद ऐसे ही धनी की कृपा से मेरे मुख से निकल गए, लेकिन उसका जो विशिष्ट गुण है वो प्रेम है, इश्क, जो हमारे धनी के मुखारविंद पर प्रकट तो होता है लेकिन उनका वो शिर मौर है, शिर मुकुट है। हम जब भी चितवन की अवस्था में आते हैं तो धाम धनी के चरण कमल पे हमारी निगाहें सबसे पहले पहुंचती हैं। जिन चरण कमलों के को अपना आधार मानकर समझकर जानकर हमारे मूल तन मूल मिलावे में बैठे हैं, हमारी आत्मा धाम के जमुना जी का जल जिसकी एक एक बूंद इश्क का है उसमें झील कर छूटक छूटक देहुरी में अपना सिंगार सच कर और परातम से अरस परस होकर धाम धनी के चरणार बिंद कमल जो गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए हैं
उस पे निगाहें टिक जाती हैं और स्वतः ही धामधनी के हस्त कमल हमारी आत्मा के गालों पर पड़ती है और वो हस्त कमल मेरी आत्मा के नैनों को अपने नैनों से मिला लेते हैं। उनका दिल एक महासागर है जिसके अंदर अनंत गुणों के साथ इश्क ही इश्क भरा है और वो इश्क उनके नैनों से बहता हुआ आत्मा के नैनों से होते हुए उनके दिल तक पहुंचता है और परमधाम के अंदर जिमी से लेके अंबर तक वो इश्क के सागर जो वहदत्त का स्वरूप है उसमें बहता है। परमधाम के अंदर जहां के हम मूलवासी हैं वो हमारा वतन है, वहां इश्क के अलावे कुछ और नहीं है। धामधनी फरमाते हैं सिंगार ग्रंथ प्रकरण 20 पूरन स्वरूप यही देखही इश्क सूरत के संग जानो के पल पल चढ़ता तेज ज्योत रस रंग पूरन स्वरूप यही देखही इश्क सूरत के संग अंग देखे जेते सूरत के सूरत यानी अपने प्राण प्रीतम राजी का सुंदर मुखड़ा सुंदर मुखार आप सबके चरणों में गुजारिश है कोई इसको चर्चा मत समझना अपनी सुरता मूल मिलावे में लगा लो सुंदर साथ और वही देखो जो वाणी कह रही है। अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर धामधनी के नक्शे लेके शिक तक अंग अंग रोम रोम इश्क का सागर है और इश्क ही निस्बत है और इश्क ही वाहदत है इश्क ही खिलवत है इश्क ही मारिफत है इश्क का ही स्वरूप अर्श की हकीकत है। जहां देखो वहां इश्क नजर आए धनी का स्वरूप नजर आए अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर गुण हक बाहर देखावत यानी दिल से अपने इश्क का महासागर से प्रकट होते हुए अनंत लहराते हुए सागरों का स्वरूप जो इश्क है अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर गुण हक और इश्क का एक एक गुण जो नूर के ही गुण है गुण हक बाहर देखावत अर्श की हकीकत में मारिफत से प्रकट होता हुआ हकीकत में गुण हक बाहर देखावत इन बातों मोमिन कादर सिर्फ परम धाम की ब्रह्म सृष्टिया ही सामर्थ्य रखती है इस बात को समझ पाने का इस बात को देख पाने को इस बात को अपने दिल के अंदर ग्रहण कर पाने की सामर्थ्य सिर्फ
परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां और उन्हीं का स्वरूप यहां अवतरित मैं सबको देख रहा हूं और आप सबके अंदर वो धाम धनी का इश्क का रस प्रवाहित हो रहा है। आप सबके मुखड़े पर वही नूर आएगा। बंध बंध सब इश्क के और इश्क अंगों अंग गुण पख सब इश्क के सोई इश्क बोले रस रंग। पख पक्ष पक्ष के बहुत सारे माने होते हैं, मुझको ज्यादा पता नहीं। मुझको सिर्फ एक ही बात पता है कि एक दिल और एक तन और हर चीज इसी में सिमट के रह जाती है। तो दिल के अंदर जितने गुण हैं वो मुख पे तो दिखाई देंगे। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरनता थे दिल की सब देखाए। और वो सागर है महासागर से प्रकट होता हुआ और वो महासागर है इश्क। तो प्रेम के अलावे परम धाम में कुछ भी नहीं। यो अर्श सारा इश्क का और इश्क रूहो निस्बत, इश्क बिना जरा नहीं सब हक इश्क न्यामत। परम धाम इश्क का स्वरूप है, वस्तुतः परम धाम राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप है जिसको अर्श की हकीकत कहते हैं। नदी ताल बाग जानवर जो अर्श की हकीकत। रू अल्लाह दई साहेदी हक हादी खास उम्मत। खिलवत निस्बत वाहदत जेती अर्श हकीकत। ये सारे गुण परम धाम के इश्क से लबालब भरे हुए। अच्छा एक बात, अब अपने दिल में सब ढूंढो, सबके सब ढूंढो। आप परम धाम से आई हुई ब्रह्मात्मा हो तो जैसा परम धाम के अंदर आपके कौल फैल हाल हैं, वहदत के जो हाल हैं, वो यहां क्यों नहीं? इलम दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल। फैल होवे वाहदत का तो बेर न लगे हाल। हम रहने की बातें करते हैं यहां, खूब करते हैं, लेकिन जैसा धाम में है हम उसी के प्रतिबिंबित स्वरूप हैं तो यहां क्यों नहीं है? हम धाम धनी को रिझाने के अलावे हम दूसरा कौन सा और काम हमारे सर पर है ही नहीं। लेकिन हम तो हम हैं। हम ब्रह्म सृष्टि कहलाने का अधिकार तो रख लेते हैं, लेकिन क्या वैसे कौल फैल हाल हैं? हमारे प्राण प्रीतम ने एक अधिकार हम सबको दिया है, क्या वो अधिकार अभी जो मैं बताऊंगा आप अपने अंदर देखो, आपके अंदर वो अधिकार महसूस हो रहा है? वो तो आप जानते ही हो, आप उनकी अंगना हो, आप उनसे कभी अलग हो सकते नहीं, ना वो अलग हो सकते हैं। रूहों में रह न सकूं तुम बिन, रूहें रह न सके मुझ पे। जब पहचान होवे वाको तब क्यों सहे बिछोवा के। हमको हो गई है पहचान, सबको अगर पहचान हो गई है तो बिछोहा का दर्द हो रहा है क्या? दुख थे उपजे विरहा, विरहा प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आई आ
तब नहचे मिलिए हक। तो हमारा एक ही काम है, धनी को मिलना, उनको रिझाना। और उन्होंने जो अधिकार दिया है कि मैं तुम्हारे दिल के अंदर बैठकर तुमको जगाऊंगा, मैं इनों को जगाऊंगा, मैं माने राज्य, और कोई नहीं जगा सकता। तो वो उन्होंने आपको अधिकार दिया है कि मैं तुम्हारे दिल के अंदर बैठकर तुमको जगाऊंगा, मैं इनों को जगाऊंगा भान के सुबह सक। तुम्हारे दिल के अंदर जितने भी शक के कीड़े होंगे, शुभा होगा। शक तो हमारा परम धाम में भी था कि हमारा इश्क बड़ा है, आपका छोटा है, ये शक नहीं और क्या था। तो उन्होंने कहा मैं इनों को जगाऊंगा भान के, भान माने मिटाना, भान के सुबह सक, इनों को इन जिमी में करूं वहदत माफक। मतलब इस संसार में हम हैं तो प्रतिबिंबित स्वरूप वहदत स्वरूपों के, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि यहां पे जो माया का चक्कर है उससे मैं तुम्हें निकाल कर तुम्हें वही स्वरूप बना दूंगा जो तुम परम धाम में हो। तो वो अधिकार उन्होंने हमें दिया। सब इंद्रियां इश्क की, इश्क तत्व रस धात, पिंड प्रकृति सब इश्क के, इश्क भीगे अंग गात। परम धाम के अंदर हर आत्मा का जो दिल है और जो तन है, उसके अंदर जितनी इंद्रियां हैं वो सब इश्क की। बात विचार सब इश्क के, कहना सुनना सोचना बोलना सब इश्क का है। और यहां कैसा है खुद देख लो, हम तो क्या बोल सकते हैं, हम सब उसके अंदर लिप्त हैं। तो बात विचार सब इश्क के, इसके गान इलम अंग क्यों कहूं इन जिमिये, एता भी कहत हुकम। सब चीजें इत इश्क की, इसके अर्स बिसात, रूहें हादी अंग इश्क के, इश्क सूरत हक जात। हक जात यानी दामधनी का दिल का प्रकट स्वरूप, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहेदत, तो जात क्या हुआ, राज्य का दिल। जात माहे हक वाहेदत, परमधाम का जो वाहेदत का स्वरूप है वो धामधनी के दिल में रहता है और उनके दिल से ही प्रकट होता है, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहेदत, हक हादी गिरो कहलात। हक हादी गिरो यानी अर्श की हकीकत, और वो कहां से प्रकट होती है, राज्य के दिल से। तो जैसा दिल वैसा ही उसका प्रकट स्वरूप। अब इस संसार में देखो, हम जैसे हैं परम धाम के अंदर प्रेम में ही रचे पगे, वो यहां क्यों नहीं हो सकते। हम क्यों किन्हीं और बातों में लिप्त होते हैं, और ये प्रेम भी आएगा कैसे। इल्म से, इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल। जो आपके कहनी है,
कहनी यानी हमारे मुख से जो कुछ भी निकले, क्या निकले, धनी धनी तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, धनी धनी, प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल। सहज स्वभाव सब इश्क के, हमारा नेचर ही वैसा है, स्वभाव ही ऐसा है इश्क का, प्रेममयी, हम उसी के प्रतिबिंबित स्वरूप हैं। सिफत ऐसी कही मोमिनों जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहें इन विध रूहें अरस परस। ए जो मोमिन अक्स कहे, अक्स माने प्रतिबिंब, ए जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माहे, हक अर्स कर बैठे दिल को जुदे इत भी छोड़े नहीं। तो राजी ने तो कह दिया, ये अधिकार दे दिया कि हम तुमसे कभी अलग नहीं होंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तो हमें अपने अंदर अपने प्राण प्रीतम को पहचानना तो होगा कि वो हमारे साथ ही हैं। अजीब अजीब सी बातें होती रहती हैं हमारे जीवन में, लेकिन एक बात है, धाम धनी हमारे संग है। और धाम धनी के हमारे संग होने से सभी सुंदर साथ भी हमारे संग, हर कोई एक दूसरे के संग। तो सहज स्वभाव सब इश्क के, इश्क की वाहे दत्त, हक स्वरूप सब इश्क के, इश्क की खिलवत। तो खिलवत निस्बत वाहे दत्त, हक अरस परस सरस सब एक रस। वाहेदत खिलवत निस्बत न्यामत, महामत अलमस्त होए आवे उमत पीवत आवत हक हाथ सरबत। प्रेम का प्याला शराब पिला रहे और हर सुंदर साथ को पिला रहे हैं। प्यास तो लगी होगी तो पियो। श्री महामत कहे मोमिनो, ए निस्बत, निस्बत के ही कारण, श्री महामत कहे मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, लियो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर। राजी के प्याले में जो इश्क लबालब भरा हुआ है उसको पियो। सुंदर साज जी, झूठ हम देखिया नहीं, झूठ रहे न हमारी नजर, पट आड़े खेल देखाया सो देने इश्क खबर। राजी का एक ही कार्य है कि हम सबको अपने इश्क के स्वरूप से परिचित कराना और उसके से अरस परस करा लेना। इस वास्ते खेल देखाया, वास्ते बेवरे इश्क के, कोई आया न गया हम में बैठे अरस में देखे। तो जैसे वो देख रहे हैं, वहां से देख रहे हैं, वैसे ही हमारा उनका प्रतिबिंबित स्वरूप जो है अपनी सुरता वही धाम धनी के चरणों में लगाकर उसको देखे। मैं आप सबकी कृपा से एक चौपाई परिक्रमा ग्रंथ की ओर बोलूंगा बस। घृत वाइब बल श्याम रंग, रंग आसमानी मधु उत्तर। आप सब यहां पर राज्य की कृपा से परमधाम के अंग अंग से परिचित हैं। जो पांचवा सागर है वो है घृत सागर।
और उसका रंग है आसमानी, और छठा सागर है इल्म का सागर, मधु सागर, उसका रंग है श्याम। इस चौपाई में क्या कह रहे हैं? अच्छा, वायव्य यानी वायव्य कोण, वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट, वहां घृत सागर की शोभा है, घृत सागर, और उसका रंग है आसमानी। और यहां क्या कहते हैं? घृत वाइब बल श्याम रंग। यहां इश्क के सागर को इल्म का रंग दे दिया, और रंग आसमानी मधु उत्तर, और जो इल्म का सागर है जो श्याम रंग का है उसका रंग आसमानी कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि इल्म में इश्क भर दिया और इश्क में इल्म भर दिया, तो दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हो गए, एक दूसरे के प्राण हो गए। इल्म बिना इश्क नहीं और इश्क बिना इल्म नहीं। दस रंग अमृत ईशान, ईशान कोण में दस रंग का सागर, निस्बत का सागर, उसको क्या कहा? अमृत। अमृत यहां के भाव में क्या कहा जाता है? जो कोई उसको ले लेता है वो अखंड हो जाता है। तो जिसने भी इन निस्बतियों के स्वरूप को देखा, पहचाना, उसको अखंड मुक्ति मिलती है। दस रंग अमृत ईशान, रस पूरब रंग सरभर, और सर्व रस सर्व रंग सागर मेहर का सागर है, और उसके अंदर सभी सागरों का समावेश होता है। तो आज आप सभी के चरणों में प्रणाम, राज जी के चरणों में वंदना, और हमारा दिल हमेशा उन्हीं के चरणों में हम सबका लगा रहे। इस चौपाई के साथ दोहरा के विराम लेंगे। घृत वाइब बल श्याम रंग, रंग आसमानी मधुतर, दस रंग अमृत ईशान, रस पूरब रंग सरभर, रस पूरब रंग सरभर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की।